बात करते हैं। मन की बात में प्रधानमंत्री जी तबरेज की बात नहीं करते। मन की बात में प्रधानमंत्री जी कोतवाली में एक दलित को पीटते पीटते अधमड़ा कर दिया, उसकी बात नहीं करते हैं। पुणे में बिहार के 15 लोग यहां के, 2 लोग छपड़ा थे जहां हम परसों गए थे, 17 लोगों की मौत होती है, उस पर मन की बात नहीं करते हैं। प्रधानमंत्री जी शिखर धवन पर ट्वीट तो करते हैं और उनके राइट हैंड पाकिस्तान हिंदुस्तान के क्रिकेट मैच पर ट्वीट तो करते हैं, लेकिन 350 बच्चे और 300 बूढ़े की मौत रूस से होती है उस पर ट्वीट नहीं करते, उस पर मन की बात नहीं। 300 मौत के बाद इन नेताओं की संवेदना जगती और फिर दुख व्यक्त, प्रधानमंत्री भी एक बड़े नेता जो पहले बड़े मियां तो बड़े मियां छोटे मियां सुहानंदा, बाप यदि खड़े होकर पेशाब करेगा तो बेटा तो दुमाला से करेगा, पहले ही कैलाश विजय वर्गीय अपने जूते से नगर पालिका के चेयरमैन थे तो वहां वो मार चुके, तो बेटा तो बल्ला से मारा। और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि बर्दाश्त नहीं किया जाए, तो प्रज्ञा ठाकुर के बारे में प्रधानमंत्री जी ने कहा था मैं कभी माफ नहीं करूंगा, क्या प्रज्ञा ठाकुर की घटना प्रधानमंत्री जी भूल गए? गांधी की वो विचार कभी माफ नहीं करूंगा, जब प्रज्ञा ठाकुर आप भूल सकते हैं प्रधानमंत्री जी, गिरिराज सिंह को आप भूल सकते हैं, आपने तो अलग अलग राज्यों में यदि कला उसके बेटे को आपको कह रहे हैं कि दल से ऐसे लोगों को दल में निकाल देना चाहिए, तो पहले तो कैलाश विजय वर्गीय को दल से निकालना चाहिए जिन्होंने अपने बेटे को प्रोटेक्ट किया है, सीधा कहा है कि मेरा बेटा ने अच्छा काम किया, न्यूज पर कहा। और कैलाश विजय वर्गीय पूरा का पूरा बंगाल आतंक के माहौल के बीच में खड़ा कर दिया। आज जो बंगाल की स्थिति है, जो सबसे पीस हुआ करता था, वहां आपने कैलाश विजय वर्गियों को भेज करके आपने इंसानियत और मानवता के लिए खतरा पैदा कर दिया। तो ऐसे लोगों को पहले पार्टी से आप निकालेंगे ना? सिर्फ आप कहेंगे कि हम कभी माफ नहीं करेंगे, पार्टी ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं करेगी, दो तरह के दिखाने के दांत पूछ, खाने के दांत पूछ, काय क्या करें? जब गांधी मैदान में आप पर भाषण दे रहे थे, कोई घटना घटी थी तब तो आप 6 जगह जाकर के शोक व्यक्त किए थे क्योंकि वो चुनाव था, मुझे आप ये बताइए। और आज तक उस 6 परिवार को न तो मुआवजा मिला न तो नौकरी मिली। मुझे समझ में नहीं आता है एक बात, और बहुत ही गंभीरता के साथ मैं पूछना चाहूंगा कि सिर्फ मुझे यह बता दें प्रधानमंत्री जी कि गुजरात में 18 बच्चे की मौत हुई लड़कों की, पूरा बिहार गुजरात के बच्चों के साथ खड़ा हुआ था, आपको आपने तो पूरा देश से आप अपने नाम पर वोट लिया, आज तो एमएलए एमपी है नहीं कहीं, सभी लोगों ने सिर्फ नरेंद्र मोदी जी को वोट दिया या तो नीतीश कुमार को वोट दिया, ये जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार की बनती है ना, ये जिम्मेदारी एमएलए एमपी की तो है नहीं, क्योंकि वोट कहां गिरेगा, तो नरेंद्र मोदी को वोट कहां गिरेगा, नीतीश कुमार को, तो वोट तो लोगों ने नरेंद्र मोदी को दिया, तो फिर जिम्मेदारी तो नरेंद्र मोदी जी को ही लेनी पड़ेगी ना, और नीतीश कुमार जी को। 15 सालों की सरकार में 13 साल बीजेपी के मंत्री रहे हैं,
आप वहां ट्वीट कर दिए, राजस्थान में 11 मौत हुई वहां ट्वीट कर दिए, आप 9000 लगभग करोड़ का जोगा कर लिए, लेकिन बिहार में 2013 से लेकर के 2019 तक 1800 बच्चे की मौत हो गई। आपके मंत्री कनाडा में रहते हैं, आने के बाद आपके मंत्री पाकिस्तान का स्कोर पूछता है और कहता है नियति की यही देन थी, और वही मंत्री जब औरंगाबाद गया जाता है लू में पप्पू यादव के बाद तो कहता है देव की यही असीम कृपा थी। तो देव की और नियति की असीम कृपा में किसी नेता के बच्चे और कॉर्पोरेट के बच्चे और अमीर के और बड़े लोगों के घराने के बच्चे क्यों चपेट में नहीं आते।